हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट 4 ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 4×10⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज शोन। ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक इनवर्ड्स गोइंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस रिप्रेजेंट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। नाउ you can see that the electron is entering in a direction perpendicular to the magnetic field. Since perpendicular jo hamari magnetic field hai wo perpendicularly inwards hai and the electron is in the plane of the screen, to iske upar definitely force lagegi given by f is equal to qvb sin theta sin 90 is 1, aur is force ki wajah se it is going to follow a different trajectory, ek circular path wo follow karega। हमें वो ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है और ये बताना है कि इस फील्ड से अंदर जाके वापस आने में, बाहर निकलने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। जैसे ही इसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इसके ऊपर फोर्स लगेगी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिंस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अगर हम यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, लाइक दिस, हियर माय फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड्स इनटू द स्क्रीन, माय मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन माई थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। यू कैन सी, आप अप्लाई कर सकते हैं 2 मिनट पॉज करके, और आप देख सकते हैं कि थंब हमारा नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। दिस मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड दिस हैपन्स ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स दिस फील्ड, it's quickly going to follow a circular motion and then it will come out of the field following a semicircular path। to hame question mein yahi bola tha ki hum iski trajectory draw karni hai and then we have to find the time taken by the electron to come out of the magnetic field। ek bar enter karne ke baad isko bahar nikalne mein, it means yahan se yahan tak isko travel karne mein kitna time laga। दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इस ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है आर, देन द हाफ सर्कमफ्रेंस विल बी पाई आर, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, बट वी डोंट नो दिस द वैल्यू ऑफ दिस आर। इसके लिए हम इन दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स है और ये हमारी लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है। जो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा थीटा है 90 डिग्री, बिकॉज द पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो वी गेट्स कैंसल and I get the radius of this circular path as m v upon qb। now the time taken by the particle will be distance upon speed and I can substitute r over here, it's mv upon qb into v and v gets cancelled, दोनों velocity ही हैं and I get this formula, it's equal to pi m upon qb। now let me put the values of the mass of electron, the charge on electron and the magnetic field, where mass of the electron is 9.1×10⁻³ kg, charge is 1.6×10⁻²⁷ coulomb,
and magnetic field is given to be 10 to the minus 5 tesla, and on calculating it I get approximately 1.8 into 10 to the power minus 7 second. This is my answer. इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम के उससे बाहर निकलने में. लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन नाउ. एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.004 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इट्स पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हैं क्वेश्चन वन की तरह ही काफी सिमिलर है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट 100 वोल्ट. हमें इसमें उसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी है. सिंस वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब हमारा थीटा क्या होगा 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह द पाथ द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय एम वी अपॉन क्यू बी. Now we have already studied in electrostatics कि अगर हमारे पास एक चार्ज है q and it is being accelerated by a potential difference of v, then the energy gained by this charged particle will be equal to q times v and this is the kinetic energy of the particle. Kinetic energy को मैं p square upon 2m से भी denote करती हूँ. Half mv square से ही मैं लिख सकती हूँ p square upon 2m. Now can I write it as P square is equal to 2mqv or P is equal to under root of 2mqv where m is the mass of electron, v, q is the charge and v is the potential by which it is accelerated. तो मैं लिख सकती हूँ R is equal to P upon qv और q हमारी P की value क्या आई है under root of 2m E V where is the charge of electron divided by QB. Now अगर मैं Q को bracket में ले लेती हूँ under root में ले लेती हूँ. Here I have replaced Q with the electron only. Electron का charge मैंने E से represent किया है. So I get 1 upon B times under root of 2M E V upon E square and 1 E gets cancelled and I get 1 upon B times under root of 2M V upon E. तो अगर आप B की वैल्यू रखते हैं 0.004 टेस्ला फ्रॉम द क्वेश्चन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं 9.1 इन 10 पर माइनस 31 केजी, पोटेंशियल बाय विच इट इज एक्सेलरेटेड अगर आप वैल्यू रखते हैं 100 वोल्ट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इन 10 पर माइनस 19, यू गेट द आंसर. द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 8.4 इन 10 पर माइनस 3 मीटर. इतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन में चलेगा. लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन. एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन मूविंग विद सेम स्पीड एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइक दिस इट्स शोन इन द फिगर. एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे एक रीजन में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल जो उनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री. यू हैव टू शो द ट्रेजेक्ट्रीज फॉलोड बाय द टू पार्टिकल्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ्स विच द टू पार्टिकल्स में डिस्क्राइब. हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे अगर एक पार्टिकल है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन भी और अल्फा पार्टिकल भी. The only difference is mass of alpha particle is 4 times the mass of proton क्योंकि alpha particle में दो protons भी होते हैं और दो neutrons भी होते हैं. And charge of alpha particle is 2 times the charge of proton. Alpha particle क्या होता है? Helium का nucleus होता है जिसमें दो protons हैं और दो neutrons हैं. Trajectory निकालने के लिए हम लगाएंगे Fleming's left hand rule. The current is in this direction and the magnetic field is inward into the screen, then the force will be in upward direction. Iska matlab it is going to follow a circular path like this. This is going to be the path.
सिमिलरली अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसके लिए भी हमारी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आएगी, तो पाथ विल बी लाइक दिस, अगेन अ सर्कुलर पाथ बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. व्हाई इट विल बी डिफरेंट, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द रेडियाई. ये प्रोटॉन की रेडियाई का फॉर्मूला होगा और ये अल्फा पार्टिकल की रेडियाई का फॉर्मूला होगा. नाउ इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, एम अल्फा और क्यू अल्फा की. आई विल गेट 4 एम पी वी डिवाइडेड बाई 2 क्यू पी वी. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम पी वी अपॉन क्यू पी बी. दिस इज इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन. सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर पी. So here we have found the answer to the second part. The ratio of the radii of the path followed by the alpha particle and proton is equal to 2:1. This is my answer. तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा वो एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस डबल होगी एज कंपेयर टू द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन. एक और सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th. अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन. ट्रेस द पाथ्स इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर. तीन पार्टिकल्स दे रखे हैं हमें, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का पाथ हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं. अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, सो दिस इज गोइंग टू बी द पाथ. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, सो दिस विल बी द पाथ. व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, सिंस आई नो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अब यहां पर चार्ज तो न्यूट्रॉन पे जब जीरो है तो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगी. इसका मतलब एक न्यूट्रल पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट इन टू द फील्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. और जस्टिफिकेशन में हम यही लिखेंगे कि बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दीज आर गोइंग टू बी द पाथ्स ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. Let's discuss the last question now, question number 5th. An electron and a proton moving parallel to each other in the same direction with equal momenta enter a uniform magnetic field which is at right angle to their velocities. Trace their trajectories in magnetic field and second find the ratio of radii of circular paths which the two particles may describe. This is very much similar to the previous question. Isse pehle jo third question humne kara tha. लेकिन उस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेलोसिटीज थी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वो सेम दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें मोमेंटा सेम दे रखा है. एंड आई नो व्हाट इज मोमेंटा. मोमेंटा इज मोमेंटम ऑफ, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम ई वी ई एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज एम पी वी पी. दिस क्वांटिटी इज इक्वल इन दिस क्वेश्चन. इनकी ट्रेजेक्टरीज देखें, देन प्रोटॉन इज गोइंग टू फॉलो दिस पाथ and electron is going to follow this path. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दोनों के सर्कुलर paths की रेडियस का रेशियो भी निकालना है. सो वी नो रेडियस इज गिवन बाय एम वी अपॉन क्यू बी. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, रेडियस विल बी गिवन बाय एम ई वी ई अपॉन क्यू ई, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स बी, इट्स पी. नाउ मुझे पता है ये दोनों क्वान्टिटीज इक्वल हैं. So if I divide the two, Rp upon Re is it's equal to MpVp divided by QpB into QeB upon MeVe. This quantity gets cancelled क्योंकि ये दोनों equal हैं. और देखो ये दोनों quantities भी equal हैं. Proton का charge और electron का charge same होता है magnitude wise. It's equal to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. So I get and B also gets cancelled. So the value I get is 1. This is the answer to my second part. The ratio of the radii is 1. I hope you understood the questions. That's all for now. Have a good day.